chapter named the chapter The Night the Chess, written by Megan Garber. Megan Garber जो थी वो टाइपराइटर थी द अटलांटिक एंड अमेरिकन मैगजीन की, जहाँ पर वो क्या की थी, वो कवर की थी कल्चर को. तो ये है इस स्टोरी की राइटर. नाइट विचेस जो है, ये नाम सुनने में वियर्ड लग रहा है कि एग्जैक्ट है क्या. ये जो है ये एक रेजिमेंट था वर्ल्ड वॉर टू, जिसका पीरियड था 1939 to 1945. तो ये स्टोरी है 1943 की, स्प्रिंग ऑफ 1943. उस टाइम स्प्रिंग का सीजन था, तो हाइट उस टाइम वर्ल्ड वॉर टू अपने हाइट पर था. टू पायलट, दो पायलट मेंबर थे सोवियत एयरफोर्स के, वो लोग प्लेन फ्लाई कर रहे थे, जिसका नाम था पॉलीकैर्पो 2, जो बेल्ट हुआ था प्लाईवुड से मिलकर के बना था, और कैनवास भी इसमें यूज हुआ था. वो सोवियत रेलवे स्टेशन के साइड से वो पेट्रोलिंग कर रहे थे. पेट्रोलिंग करना मतलब निगरानी करना कि कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो. तो द पायलट इज व्हाट एनी वन पार्टिंग अ प्लेन मेड ऑफ प्लाईवुड वुड डू व्हेन फेस्ड विद एनिमी एयरक्राफ्ट एंड एनिमी फायर. दे डक, दे सेंड देयर प्लेन्स इनटू डाइव्स शूटिंग बैक डायरेक्टली. उसके बाद क्या हुआ, वो लोग जब फ्लाई कर रहे थे तो उनका आमना सामना हो गया जर्मन से. जर्मन जो थे वो रशिया के एंटी थे, वो सोवियत यूनियन के एंटी थे. दो ग्रुप बना हुआ था ना वर्ल्ड वॉर टू में, एक साइड में अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस था, और सेकंड साइड में जर्मनी, जापान और इटली था. ये दो ग्रुप बने हुए थे. तो जर्मनी और रशिया जो था एक दूसरे का दुश्मन था, ठीक है. तो जब दोनों का सामना हुआ तो फायरिंग स्टार्ट हो गया. Chinese planes Princess was in some way advantage, their maximum speed was lower than the stall speed of the Nazi. तो मैंने पहले ही बताया कि उनका जो प्लेन था वो प्लाईवुड से बना हुआ, तो उसका स्पीड उतना नहीं था. जो नाजी का प्लेन था, जो नाजी किसको, जो लोग हिटलर का विचारधारा, जो लोग हिटलर का आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे और उसका आइडियोलॉजी को मानते थे, उनको नाजी बोला जाता था. तो जो नाजीज का प्लेन था उनके कंपेयर में इनका जो प्लेन था वो काफी स्लो था. मीनिंग दैट द पायलट्स देयर अटैकर्स दे आउटनंबर्ड सोवियत डाउन टू नाजी प्लेन बिफोर वन ऑफ देयर वन लॉस्ट इट्स विंग टू एनिमी फायर. लेकिन इतना होने के बाद भी उन्होंने ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न लिया कि जो वो लोग का एयरक्राफ्ट था वो नीचे गया, जो फ्लाइंग जो प्लेन था वो लोग का वो नीचे गिर गया. तो जो पीपल थे ग्राउंड में उन्होंने उन्हें विटनेस क्या वो बोले कि ये फाइट था जिसमें जिस छोटा सा ही फाइट था, लेकिन जो पायलट थे वो लोग ब्लस्ट ओवर हो गए थे. बट द ओवर वॉज रिटन एज द पायलट और लिटिल लेटर लोग नो बडी कुड अंडरस्टैंड वाई द ब्रेव लैड हू हैड टेकन ऑन द नाजी स्क्वाड्रन कुडंट सेंड फोर्थ का. अब एक्चुअली लड़ाई में क्या, वो जो लाइन जो एंटी में थे, जो रशियन पायलट थे, जो पॉलीकैर्पो में थे, वो लोग क्या भी नीचे गिर गया. तो वहाँ के जो लोग थे लोकल, उन्होंने उन्हें फाइन ऑफर किया, बट उन्होंने मना कर दिया. द ब्रेव लेट इट टर्न इट वॉज नॉट अ लीक ऑल इट वॉज अ कैमरा पैनिक ने. तो ये जो थी, जो लेडी थी, ये कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी, इसका नाम था कैमरा पैनिक ने. तो ये जो थी, ये वन ऑफ द मेंबर ऑफ द 58 नाइट बॉम्बर रेजिमेंट ऑफ द सोवियत एयरफोर्स. ये 588 नाइट रेजिमेंट था, एक बॉम्बर रेजिमेंट था, उसकी ये मेंबर थी. और ये जो रेजिमेंट था ये डेकोरेटेड था ओनली फीमेल मेंबर से. ये जो रेजिमेंट था, बहुत टाइप का रेजिमेंट होता है आर्मी, तो ये जो रेजिमेंट था इसमें बस फीमेल्स थी. ये जो था रेजिमेंट, इसने 30,000 मिशन में इसने फ्लाईओवर किया था बस फोर ईयर में. ये लोग 30,000 मिशंस में गए थे और टोटल 23,000 बॉम्ब्स इन्होंने इन्वेक्ट किया था, जर्मन आर्मी इस पर गिराया था. हु रेंज इन एज फ्रॉम 17 to 26. तो ये जो इस यूनिट के जितने भी फीमेल्स थी उनका एज 17 to 26 हुआ करता था. वो ये मेनली नाइट में ही उड़ती थी और उनका जो प्लेन था वो प्लाईवुड और कैनवास से बना हुआ था, जनरली रिजर्व फॉर क्लीनिंग एंड क्रॉप डस्टिंग. तो ये जो प्लेन होता था वो बेसिकली वो रिजर्व किया जाता था क्रॉप डस्टिंग के लिए, क्रॉप्स में केमिकल डालने के लिए इसको अपॉइंट किया जाता था. दे ऑफन ऑपरेटेड इन क्विक सीक्रेसी. उनका जो मिशन होता था वो सीक्रेसी के साथ होता था, किसी को पता नहीं चलता था, सबको लगता था कि वो क्रॉप डस्टिंग का है किंग, लेकिन वो लोगों का बहुत सीक्रेट मिशन भी चलता था. एज अ रिजल्ट देयर प्लेन्स मेड लिटिल मोर देन सॉफ्ट व्हिशिंग नॉइजेस एज दे फ्लू बाय. तो जब वो उड़ता था, इसीलिए जब उड़ता तो जो व्हिशिंग नॉइजेस होता है कि जैसे कि जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उसमें नॉइज भी प्रोड्यूस होता है, उसको व्हिशिंग नॉइजेस बोलते हैं. तो
जो हुसैन मॉइस था इसमें वो ज्यादा हार्ड नहीं था, वो सॉफ्ट था। Those noises remind the Germans apparently of the sound of a big broomstick. तो जो हल्का हल्का साउंड आता था, तो जो जर्मन आर्मी है वो लोग बोलते थे जो विचेस होती है जो झाड़ों में घूमती ब्रूमस्टिक में घूमती उनका आवाज जैसा उनको लगता था, इसीलिए उन्होंने इनका नाम दे दिया नाइट विचेस, जिसको बोला फाइटर पायरेट्स को हम लोग बोल सकते। इसका नाम था नॉकहैक्सेन और नाइट विचेस। तो जो भी जर्मन पायलट या फिर जो भी जर्मन एयरफोर्स के लोग इनको मार गिराते थे उनको आयरन क्रॉस मिलता था। आयरन क्रॉस एक मिलिट्री उपलब्धि है, जैसे कि बहुत टाइप में हम लोग यहाँ होता ना अशोक चक्र परमवीर चक्र, उसी टाइप में जर्मनी में था आयरन क्रॉस। नाइट विचेस जो थी वो फीमेल फाइटर्स थी उसमें, और इवन फीमेल फ्लायर्स भी थी अदर कंट्री। और ये ऐसा बोला जाता है कि जो रशिया था वो पहला ऐसा कंट्री था जिसने फीमेल फाइटर्स को उड़ने का इजाजत दिया था। The Soviet Union was the first nation to allow women to fly combat missions, मतलब मिशंस में जाने का इजाजत किसने दिया था? सबसे फर्स्ट में सोवियत यूनियन ने दिया था। But the most famous of the night witches is Nadezhda Popova, a commander of the squad who flew in total 852 of the mission passed away in 2013. एक फेमस थी, एक और फेमस नाइट विचेस थे जिसका नाम था Nadezhda Popova। वो कमांडर थी जो टोटल 582 मिशंस में गया था, 852 मिशंस में गया था, और जो पास जब हो गए 2013 में जब वो 91 ईयर की थी। और जो उनका लेगेसी है जो वो छोड़ के गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही प्रीशियस है हमारे लिए, क्योंकि फीमेल फाइटर का इतना ब्रेव होना है, फीमेल फाइटर जो थी उसको पहली बार अपॉर्चुनिटी मिला और उसने इतने ब्रेवरी से सारा मिशन अपना कंप्लीट किया, इसीलिए वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आज के यूथ के लिए। ऑलमोस्ट एवरी कैंड Popova once recalled, we have to sail through a wall of enemy fire. वो हमेशा बोलती थी कि हमें जाना है, हमें सेल करना है एनिमी फायर से होते हुए हमें सेल करना है। Their missions were danger, they were also as a secondary challenge unpleasant each night in general 40 planes each crewed by two women. उनका जो प्लेन था केवल 40 प्लेन था और एक प्लेन में टू वुमेन रहती थी, उनके पास कोई नेविगेटर भी नहीं था जिससे वो रास्ता का पता कर सके और ना ही उनके पास कोई रडार था। बिना किसी ऐसे रिसोर्सेज के, बिना ऐसे किसी रिसोर्सेज के वो लोग इतना अच्छे से अपने काम को करती थी। When the wind was from it, it lost the plane. Popova noted, in winter, when you look out to see your target pattern, you got forgetful our feet falls in our boot, but we carried on flying. अब बोल रही है कि विंटर के टाइम में जब हम लोग बाहर देखते थे तो हमारा जो बूट था वो बिल्कुल जम जाता था, ठंड से बिल्कुल जम जाता था, फिर भी हम लोग अपने मिशन को कंटिन्यू रखते थे। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जो रशिया एरिया है, जो रशिया कंट्री, वहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहीं पर साइबेरिया है तो उस एरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो एक बार बता रही थी कि एक बार सक्सेसफुल फाइट हुआ था हमारा, जिसमें अ फ्लाइट सी सर्वाइव Popova काउंटेड 42 बुलेट्स हू स्टडीड हर लिटिल प्लेन। वो बता रही है कि टोटल 42 बुलेट्स हमारे छोटे से प्लेन में लगा था और हमारे मैप में भी होल हो गया था और हमारे हेलमेट में भी हो गया था, फिर भी बोली कार किया माय डियर द पायलट टोल्ड हर नेविगेटर वी विल लिव लॉन्ग। तो उसके बाद भी जो पायलट थी वो कार किया जो थी, जो उसकी असिस्टेंट थी उसको बोलती है कि हम लोग, वो उसकी नेविगेटर थी, वो बोलती है कि हम लोग बहुत दिन तक जिएंगे। डिस्पाइट ऑल दिस ब्रेवरी हाउएवर द फीमेल फाइटर पायलट्स इनिशियली स्ट्रगल टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ देयर ब्रदर्स इन आर्म्स। इतना सफलता के बाद भी स्टार्टिंग में उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा था लेकिन जो स्टालिन थे उस टाइम, स्टालिन जो है वो जिनका पूरा नाम था जोसेफ स्टालिन, वो इनकरेज करते थे फीमेल फाइटर्स को, तो उन्होंने सबको केयर करने के लिए स्पेशल असिस्टेंट भी रखा था जिसका नाम था अमेलिया एकहार्ट। शी ऑल्सो प्रिपेयर्ड देम फॉर एनवायरमेंट दैट प्रेफर्ड टू हिट वुमन एज बॉम्ब सेल्स। फिर उसके बाद वो जो थी जिन्होंने उसे ट्रेन किया तो उन्होंने ऐसा एनवायरमेंट बनाया कि लोग उसे बॉम्ब सेल समझे, उसे बॉम्ब सेल ना समझ करके ये समझे कि वो भी बॉम्ब गिरा सकती है और उसे लड़ सकती है। अ बंच ऑफ गर्लीज इंस्टीड ऑफ सोल्जर्स, तो लोग ऐसा ना, मतलब लोग क्या करते थे उनको गर्लीज बोलते थे, बंच ऑफ गर्लीज उनको सोल्जर ना बोल करके उन्हें गर्लीज बोलते थे। बट द वुमेन एंड देयर फैंसी लेजर प्रॉप टस्टर एंड देयर इल फाइटिंग यूनिफॉर्म्स एंड द 23,000 टन्स ऑफ एमिनेशन सून अप्रोच रोम, मतलब रॉन्ग, लाइक
लोग समझते थे कि वो लोग लड़ नहीं सकती क्योंकि वो लड़की, उनका काम बॉम्ब फेंकना नहीं, उनका काम लिपस्टिक लगाना, उनका काम बॉम्ब को कैरी करना नहीं, उनका काम लिपस्टिक्स को कैरी करना है। बट जब उन्होंने बहुत सारा कंटिन्यूअसली मिशन को अंजाम दिया, बहुत सारे मिशन में वो सक्सेसफुल रहे, तो जो लोगों का जो धारणा था वो कम्प्लीटली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लोगों का जो धारणा में जो लोगों का विचार होता है रिगार्डिंग वुमेन्स, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एंड दे डिड ऑल दैट वाइल डेकोरेटिंग देयर प्लेस एंड विद फ्लावर्स एंड यूजिंग देयर नेविगेशन पेंसिल एज लिप कलर। तो उन्होंने क्या किया, जैसे फूल से हम लोग किसी जगह को सजाते हैं, उसी तरह उन्होंने बॉम्ब से सजाया था अपने प्लेन्स को। और क्या किया था, जो नेविगेटर पेंसिल का यूज किया था वो लिप कलर से यूज किया था, लिप कलर की तरह यूज किया था। तो ये जो स्टोरी है, ये नाइट विचेस की स्टोरी थी, और इसमें हमें पता चला कि कैसे नाइट विचेस जो थी वो एक फीमेल रेजिमेंट, उन्होंने बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से, बहुत ब्रेव होकर के उन्होंने बहुत सारे मिशन को कंप्लीट किया। तो होप सो आपके चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।